हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन देवतिया। पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कराए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस आपने किए थे और अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। ये ऑलरेडी पहचान तो मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में बताई दी थी, आपको याद भी होगा, या एक बार फिर से देख लेंगे सेंटेंस की पहचान क्या है। अब हमें सिर्फ देखना इस समय है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है बेटा। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए हैं तो यूं मान लीजिए कि फिर कुछ भी नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए हैं, जहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आई थी हैज या हैव, उसके तुरंत बाद नोट लगाना है, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। अब आप देखोगे जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी, इसका रूल लिखूंगी, इसका स्ट्रक्चर लिखूंगी कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सेम वैसा ही रहेगा, वैसा ही मिलेगा आपको अफर्मेटिव जैसा ही, बस नोट का डिफरेंस होगा बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो सब्जेक्ट और फिर हैज या हैव, हैज या हैव, इनमें से एक आएगा कोई भी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, ओ सॉरी, इसके बाद ये तो नेगेटिव सेंटेंस है ना हमारे, तो नोट, हैज या हैव के तुरंत बाद नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसका ऑब्जेक्ट और फिर इसका अदर वर्ड्स, अगर है तो अदर वर्ड्स भी आएंगे, अदर वर्ड्स और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है आपका सेंटेंस, बिल्कुल इस तरीके से बनना है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए चाहे तो। ये है तो आपको इससे पता चल जाएगा, पहला आपने देखा होगा सब्जेक्ट था, हैज और हैव था, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेते थे हम, लेकिन अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैज और हैव के तुरंत बाद नोट लेना है, बाकी आप फॉर्मूला चाहे उनसे मिला लीजिए अफर्मेटिव वाले से, सेम ऐसा ही, बस नेगेटिव का अंतर है। इसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है याद करने का कि हैज और हैव के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए और कुछ भी नहीं है। क्लियर, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम, कुछ सेंटेंस बना करके देख लेंगे कि कैसे बनाने हैं। एग्जाम्पल्स अब देख लीजिए, कोई भी हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, जैसे चपरासी ने घंटा नहीं बजाया है, या घंटी नहीं बजाई है, कुछ भी बोल दीजिए आप, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चपरासी ने घंटी, वो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो बोल तो आप कैसे भी लीजिए, बात वही है। तो अब चपरासी, इसमें क्या आपका सब्जेक्ट, द पियोन, सब्जेक्ट आपका द पियोन, पियोन सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, ये देख लीजिए सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ ले लिया हैज, हैज। क्लियर, फिर उसके बाद नोट, नहीं आया है तो नोट। अब हमें थर्ड फॉर्म लेनी है, रिंग रेंग रंग, यही आपको याद करनी है, रिंग रेंग रंग, तो थर्ड फॉर्म लेनी है तो रंग, थर्ड फॉर्म हो गई, द पियोन हैज नॉट रंग द बेल, द बैल ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। अब मिला लीजिए चाहे आप इससे, सब्जेक्ट द पियोन हो गया, हैज आ गया, सिंगुलर है इसलिए, नॉट भी आ गया आपका, आपकी थर्ड फॉर्म भी आ गई और आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया, अदर वर्ड्स इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। अब देख लीजिए, मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। अब
देख लीजिए मैंने, अब इसमें क्या सब्जेक्ट आई, आई के साथ आप क्या लेंगे हैव, मैंने आपको बताया था आई और यू के साथ भी हैव आता है, तो आई हैव फिर नॉट आ गया हमारा, आई हैव नॉट वॉश्ड, अब थर्ड फॉर्म लेनी है, वॉश फर्स्ट फॉर्म है इसकी वॉश और हमने ली इसकी थर्ड फॉर्म वॉश्ड, माई क्लोथ अपने कपड़े, माई क्लोथ्स, क्लियर, तो आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लोथ्स, और देख लीजिए उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया है, उन्होंने पाठ याद नहीं किया है, उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया है या वो अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं, बात एक ही है। अब देख लीजिए उन्होंने, उन्होंने मीन्स दे, प्लूरल हो गया आपका दे, अब प्लूरल है तो हैव, दे हैव नॉट, थर्ड फॉर्म लर्न एल ई ए आर एन टी लर्न, अब अपने के लिए जैसे आई के साथ माई लिया था ऐसे दे के साथ देयर, दे हैव नॉट लर्न देयर लेसन, देयर लेसन, क्लियर, नेक्स्ट ले लेंगे, और आप कुछ भी बना सकते हैं, आप जैसे घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, मम्मी ने खाना नहीं बनाया है या मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया है, मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया है, अब देख लीजिए मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया है, द मदर, अब मदर क्या आपका सिंगुलर क्या आएगा हैज, मदर हैज नॉट, अब नोट आ गया, कुक द फूड या प्रिपेयर द फूड, प्रिपेयर भी ले सकते हैं आप, चलिए यहां प्रिपेयर ले लीजिए, प्रिपेयर, प्रिपेयर द फूड, क्लियर, एक सेंटेंस और ले लीजिए इसका, फाइव हो जाएंगे आपके, उसने आज अच्छा गाना नहीं गाया है, उसने आज अच्छा गाना नहीं गाया, स्वीट नहीं गाया है, मधुर नहीं गाया, कुछ भी बोल लीजिए आप, उसने आज मधुर गीत नहीं गाया है, उसने आज मधुर गीत नहीं गाया है, अब उसने भी यहां पे क्लियर नहीं है तो ही कर लीजिए, ही आपका सिंगुलर हो गया, इसके साथ हैज आ गया, ही हैज नॉट, क्या हुआ थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, ही हैज नॉट संग द स्वीट सॉन्ग, द स्वीट सॉन्ग, तो स्टूडेंट्स ये आपके मैंने फाइव एग्जांपल्स आपको करा दिए जिसमें चुका है चुकी भी आते हैं, इसमें तो ज्यादातर या आ गया, तो मैंने आपको साथ साथ ही आपको समझाया भी था कि इसमें चुका चुकी भी आ सकते हैं हिंदी के सेंटेंस में, इस तरीके से आप उनके आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है,
थैंक यू वेरी मच. इंटरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट टाइम.